हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय ग्रामीण विकास की क्लासेज आपकी डिटेल क्लासेज चल रही है, ठीक है। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर भू राजस्व नीति से संबंधित कौन कौन सी चीजें की गई थी, उनके परिपेक्ष में कल मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बताई थी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, स्थायी बंदोबस्त क्या थी, इस्तेमारी व्यवस्था क्या थी, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था क्या थी, इन सभी पर हमने व्यापक चर्चा किया। कौन कब लागू हुई, कौन जो है गवर्नर जनरल आया, किसने किस चीज को लागू किया, किन किन प्रांतों पर लागू किया। तो जो लोग इस चीज को समझ सीखना चाह रहे हैं वो इससे पहले के लेक्चर को जाकर के जरूर देखें। आज हम लोग मुख्यतः बात करेंगे कि वर्तमान में आपकी राजस्व प्रणाली है क्या, यानी वर्तमान राजस्व प्रणाली कैसे कैसे कार्य करती है, इन सभी पर व्यापक परिचर्चा हमें करनी है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से आपको बहुत कंसंट्रेट होना है और साथ ही साथ पूरे दिलो दिमाग को एक जगह पर कर मेरी बातों को सुनना है, ठीक है। नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिए, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाह रहे तो हम लोग मटेरियल तो देते ही हैं, जो क्लास में हम पढ़ाते हैं वो मटेरियल आपको नोट्स के तौर पर एक अच्छी पीडीएफ बनाकर दी जाती है। तो आपको सिर्फ लेक्चर को बहुत कंसंट्रेट होकर सुनना है, उसी में नोट्स भी नहीं बनाना है, ठीक है। नोट्स के लिए आप 10+ ये जो हमारा कोर्स चल रहा है इसका पीडीएफ सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, क्योंकि इतनी भी चीजें यहां पर महंगी आपको नहीं है, ठीक है, इतनी भी महंगे प्लान नहीं रखे गए हैं कि आपको लगे नहीं सर ये बहुत हैवी चीज हो गया, हैवी अमाउंट हो गया। हम 10+ कोर्सेज को एक साथ लेकर फोकस करके अलग अलग सब्जेक्ट की सारी क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हम आपको हर एक क्लास की जो हम क्लास करवाएंगे उसकी पीडीएफ नोट्स देते हैं। ये जो पीडीएफ नोट्स है भैया, ये 3 महीने के लिए सिर्फ आपका 499 रुपीज में है, यानी 500 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, तो उसका सही दिशा में आपको लाभ मिलेगा और आपकी दशा में भी लाभ मिलेगा। इस वजह से इस पीडीएफ सब्सक्रिप्शन प्लान को सारे लोग ले लें 3 महीने के लिए और मस्त होकर अपनी पढ़ाई करिए टीम परीक्षा प्लस के साथ। तो सारी चीजें समझ गए हैं, सब कुछ ऐप पर भी आपको उपलब्ध है। जो लोग ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं वो परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी अन्य कोई भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, किसी भी कोर्स से संबंधित, आप दिए गए नंबरों में से किसी नंबर पर जो है कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जितने भी कोर्सेज चलते हैं वो सभी हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होते हैं, parikshaplus.org आप विजिट करेंगे तो यहां पर भी हमारे सारे प्लान के बारे में आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, आज जिन विषयों को हमें पढ़ना है मैं उस दिशा में आप जो है बढ़ रहा हूं। बहुत अच्छे से अपने आप को यहाँ आप लोग जो है कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि जितनी बातें होंगी उन पर जब आप अच्छे से सावधान होंगे तभी सारी चीजों को सीख पाएंगे। आज हमें बात करना है भैया आपका कि वर्तमान जो राजस्व ढांचा दिखाई पड़ता है, ठीक है, वर्तमान जो राजस्व ढांचा है ये है गया वर्तमान राजस्व प्रणाली, में नाम दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। इस चीज को अगर आप समझ गए तो कल मैं उत्तर प्रदेश में जो भूमि से संबंधित पैमाने होते हैं इन पर कल मैं विधिवत आपसे चर्चा करूंगा। तो आज वर्तमान राजस्व प्रणाली आपको जानना है, समझना है। देखो, राजस्व प्रणाली का इतिहास अगर देखें तो अपने यहां इतिहास तो इसका बहुत पुराना है। जब आप कौटिल्य की लिखी एक पुस्तक है जिसके बारे में जानते ही जानते हैं, कौटिल्य की एक पुस्तक है जिसे नाम अर्थशास्त्र दिया गया है, इस अर्थशास्त्र में सबसे पहले जो है इस राजस्व प्रणाली के बारे में विधिवत इन्होंने परिचर्चा की थी। तो राजस्व प्रणाली के बारे में कल भी मैंने बताया कि राजस्व विभाग का जो है सबसे पहले किस कब स्थापित हुआ, कल भी मैंने लेक्चर में परिचर्चा की। अगर हम जो है प्राचीन भारत की बात करें तो कौटिल्य के द्वारा जो रचित आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें राजस्व प्रणाली के बारे में बहुत विधिवत उल्लेख मिलता है। हालांकि आप चंद्रगुप्त मौर्य देख लो, मौर्य का पूरा प्रशासन, चोलों का देख लो, हर जगह पर राजस्व का जो तरीका था यह जब आपका राजतंत्र था तब भी बेटर चलता था। अकबर जब आप पढ़ते हो तो एक नाम बहुत ज्यादा पढ़ते हो, टोडरमल का, ठीक है। बहुत बार सवाल भी आया है कि जो है टोडरमल किससे संबंधित थे, ये सारी जो चीजें चलती हैं ये सब कुछ राजस्व प्रणाली से।
जितने भी मुगल काल में आप कई सारे लोगों को पढ़ते हो, दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हो, छोटे छोटे राज्यों का उदय पढ़ते हो, हर एक चीजें क्या थी, वो राजस्व प्रणाली से ही सारी चीजें क्या थी, वहां पर कहीं ना कहीं संबंधित थी और उन्हीं का परिणाम भी थी। आज उन्हीं सारी चीजों पर हमें बहुत विधिवत परिचर्चा करनी है कि वर्तमान राजस्व प्रणाली से पहले मैंने आपको एक दिन और परिचर्चा की थी, जिस दिन मैं भू राजस्व आपको कुछ नियम बता रहा था, नीतियां बता रहा था, उस दिन मैंने आपको एक शब्द के बारे में जिक्र किया था। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था कि अपने यहां वर्तमान में जो है वो दो तरीके के सिस्टम है, एक क्या, एक आपका राजस्व न्यायालय है और दूसरा जो है, पहला तो मैंने बताया था कि एक राजस्व न्यायालय होता है और दूसरा आपका राजस्व अधिकारी होते हैं। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं और राजस्व अधिकारी किन्हें किन्हें कहते हैं, इन दोनों के बारे में भी मैंने परिचर्चा की थी, दोनों के काम के बारे में मैंने बताया था। देखो, राजस्व न्यायालय अगर आप सिविल संहिता देखोगे, ठीक है, सिविल जो प्रोसीजर कोड है उसमें जो इसकी परिभाषा बताई गई है, जो आपका सिविल न्यायालय होता है, ठीक है, सिविल न्यायालय में दूसरी चीजें जाती हैं, दीवानी फौजदारी वाली, लेकिन यहां पर जो चीजें रहती हैं, ठीक है, राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालय की परिभाषा एक तरीके से देखी जाए तो जिनमें कोई भी पदाधिकारी किस हिसाब से कृषि से संबंधित कोई फैसलों पर, जमीन से संबंधित किसी फैसले पर निर्णय देता है, उनको हम राजस्व न्यायालय के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यहां वो वाला न्यायालय नहीं बैठा है आपका, ठीक है, कि जो है जज बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, ये न्यायालय नहीं, लेकिन इसके जो फैसले होते हैं वो इससे संबंधित, कृषि से संबंधित, जमीन से संबंधित वो मान्य होते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं जब वो ऊपर उठ के जाते हैं, नहीं तो ये मुकदमे आपके तहसील लेवल तक ही समाप्त कर दिए जाते हैं। बहुत बड़ा हुआ तब वो मुकदमा बढ़ जाता है हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ऐसे। राजस्व अधिकारी, राजस्व वही अधिकारी इसमें भी कार्य करते हैं, वही यहां पर कार्य करते हैं, लेकिन जब यह कार्य किसी, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, कब इनको राजस्व न्यायालय बोलते हैं, कब इनको राजस्व अधिकारी बोलते हैं, इससे जो मेरी पहले की क्लास हुई उसमें मैंने बहुत अच्छे से दोनों को डिफरेंशिएट किया है कि राजस्व न्यायालय इनको कब बोलते हैं, ये कौन सा कार्य करते हैं तब राजस्व न्यायालय होते हैं, कौन सा कार्य करते हैं तब राजस्व अधिकारी होते हैं। इन दोनों को देख समझने के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए। यहां पर मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया, तो हमें जो परिचर्चा करनी है, हमें राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारियों, ये हमारी वर्तमान व्यवस्था है। वर्तमान जो राजस्व व्यवस्था है, ये वर्तमान राजस्व व्यवस्था दो तरीके से हमारे यहां चलती है, ठीक है। एक हमारे यहां राजस्व न्यायालय भाग संभालता है और दूसरा भाग संभालता है राजस्व अधिकारी। इन दोनों के संलयन से वर्तमान जो राजस्व व्यवस्था है यह पूरी की पूरी प्रणाली चलती है। तो राजस्व अब न्यायालय हमें जानना है और राजस्व अधिकारी जानना है कि दोनों के अंतर्गत पदाधिकारी कैसे होते हैं, यह सवाल आपसे पूछेगा। पदाधिकारी इन दोनों के हम जान लेते हैं, बहुत अच्छे से समझना, मैंने वैसे चीजें बहुत सही आपके लिए ड्रा करवाई है जहां से आप सब कुछ समझ सकते हो, छोटा होगा लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूं उन चीजों को समझते चलना, ठीक है, चीजें क्लियर होती रहेंगी। यहां पर मैंने लिख दिया है बाकायदा जो राजस्व प्रशासन है ये है क्या। राजस्व प्रशासन में पहली चीज होती है आपका राजस्व न्यायालय, दूसरा होते हैं आपके राजस्व अधिकारी। जो अपने यहां वर्तमान राजस्व प्रणाली है, राजस्व प्रशासन है, इसमें दो लोगों का योगदान होता है, दो भाग इसके बोल सकते हो, इसके दो अंग होते हैं। एक अंग होता है इसका राजस्व न्यायालय, दूसरा अंग इसका होता है राजस्व अधिकारियों का। अब राजस्व न्यायालय में इसमें राजस्व परिषद आती है आपकी और उनके जो सदस्य होते हैं वह राजस्व न्यायालय के जस्ट नीचे होते हैं, ठीक है। यानी राजस्व जो न्यायालय बनाया गया है उसमें सबसे पहले कौन से लोग आएंगे, राजस्व परिषद और उनके सदस्य जो होते हैं वो लोग आते हैं, वो अधिकारी। राजस्व अधिकारियों में, ठीक है, जब हम सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्व अधिकारी कौन सा होता है, तो इसमें सबसे बड़ा आपका आयुक्त तो होता है, ठीक है, पदों को समझना। उसके बाद राजस्व न्यायालय, पहले एक एक को समझते हैं। राजस्व न्यायालय में सबसे बड़ा पदाधिकारी राजस्व परिषद हो गई और उनके जो सदस्य है वो हो गए। फिर इसके नीचे एक आयुक्त तो होता है, आयुक्त तो के नीचे अपर आयुक्त तो होता है, अपर आयुक्त तो के नीचे कलेक्टर होता है, कलेक्टर के नीचे अपर कलेक्टर होता है, अपर कलेक्टर के नीचे मुख्य राजस्व अधिकारी होगा और मुख्य राजस्व अधिकारी के नीचे सहायक कलेक्टर होगा,
और उसके नीचे तहसीलदार होगा, उसके नीचे तहसीलदार न्यायिक होगा, उससे नीचे आपका नायब तहसीलदार होता है, फिर अभिलेख अधिकारी होता है, उसके बाद सहायक अभिलेख अधिकारी आता है, फिर अन्य राजस्व न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी जो चकबंदी है वो आएगा, और सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वो आएगा, और सबसे अंतिम में चकबंदी अधिकारी होता है। यह जो प्रक्रिया है यह आपके न्यायिक जो आपका एक तरीके से क्या बोलते हैं न्यायालय जो है उसकी पूरी प्रक्रिया है। यानी राजस्व परिषद से आप उठा लें, जो राजस्व न्यायालय है इसमें राजस्व परिषद से आप उठाएंगे, सबसे पहले राजस्व परिषद और उनके सदस्य, उनसे नीचे आयुक्त होंगे, उनसे नीचे अपर आयुक्त होगा, उनसे नीचे कलेक्टर होगा, उससे नीचे अपर कलेक्टर, फिर मुख्य राजस्व अधिकारी, फिर सहायक कलेक्टर, फिर तहसीलदार न्यायिक होगा, फिर नायब तहसीलदार एंटी जिनको आप बोलते हैं, फिर अभिलेख अधिकारी, उसके बाद जो है सहायक अभिलेख अधिकारी, फिर इसी में अन्य राजस्व अधिकारी, फिर जो है चकबंदी इसमें आने लगते हैं जो अधिकारी है वो सभी आ जाते हैं। तो ये राजस्व न्यायालय का पूरा खाका रहा, ठीक है। दूसरी बात, अब हम राजस्व अधिकारियों को समझ लेते हैं कि भैया राजस्व अधिकारी में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। राजस्व अधिकारी में सबसे ऊपर होता है आपका आयुक्त, फिर अपर आयुक्त तो होता है, उसके बाद कलेक्टर, ये मतलब ऊपर से नीचे की चीजें हैं, फिर कलेक्टर, फिर आपका अपर कलेक्टर आता है, उसके नीचे मुख्य राजस्व अधिकारी, उसके नीचे उप जिला अधिकारी एसडीएम जिसको बोलते हो, फिर तहसीलदार होता है, फिर तहसीलदार न्यायिक इसके नीचे आता है, उसके बाद नायब तहसीलदार, मतलब तहसीलदार न्यायिक के अंडर में नायब तहसीलदार होता है, और इसके अंडर में राजस्व निरीक्षक होता है, कानूनगो जिसको बोलते हो, और इनके निरीक्षक में लेखपाल और अन्य राजस्व अधिकारी आते हैं, जितने भी हैं लेखपाल हो गया और अन्य राजस्व अधिकारी, ये राजस्व निरीक्षक के अंडर में कार्य करते हैं, समझे। इसी में इनके नीचे जस्ट बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जो होगा वो आएगा, सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, ये मतलब अन्य जो राजस्व अधिकारी हैं वो सभी इसके नीचे हैं। चकबंदी अधिकारी हो गया, सहायक चकबंदी अधिकारी हो गया, चकबंदी कर्ता हो गया, ये सब राजस्व अधिकारी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो दोनों चीजों को आप समझ गए कि राजस्व न्यायालय में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है, बस कुछ चीजें मैंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति कौन सा कार्य करता है जब तब उसको न्यायालय कहते हैं, और कौन सा कार्य करता है जब उसको हम अधिकारी कहते हैं। मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बहुत सही से समझाया है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं मेरे लेक्चर हमेशा जो इससे पहले होते हैं वह बाद में रिलेट होते हैं। इस वजह से आपको कहीं भी यह भी नहीं सोचना है कि सर आप ये पढ़ाओगे कि नहीं, मैं सब कुछ आपका कवर कराऊंगा, लेकिन जहां मुझे लगता है कि अब इस बिंदु को बताना उचित है, ठीक है, वहां पर मैं उस पॉइंट को डालता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर चैप्टर वाइज चैप्टर, भैया चैप्टर वाइज क्या है, राजस्व परिषद सबसे पहले समझोगे तब तो कुछ जानोगे। मैं पेपर के आधार पर आपको पढ़ाता हूं जैसा पेपर पूछता है। देखो कंपटीशन निकालने में सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए पढ़ना क्या नहीं है, नहीं तो मैं तो दुनिया भर की गाथा आपको पढ़ा दूं। राजस्व तो इतना कुछ है, ठीक है, कि मैं इतना कुछ पढ़ा दूं कि इसकी क्लास 3-4 महीने चलाता ही रहूं, आज ये पढ़ा दूं, कल ये पढ़ा दूं, परसों ये पढ़ा दूं। लेकिन उतना पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उतना जबरदस्त पढ़ो। उसके लिए टीम परीक्षा प्लस मेहनत करती है, ठीक है, कि हम आपको सबसे नंबर वन क्वालिटी का कंटेंट दें, समझे। चलिए भाई, तो इसमें दोनों चीजों को आप समझ गए, दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, छोटा छोटा दिखेगा फिर भी समझ सकते हो, और जिन्हें नोट्स मिल रही उन्हें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे अब मैं एक एक चीजों को यहां बताना प्रारंभ कर रहा हूं किसका क्या कार्य है, ये समझ जाओ, ये आपके लिए जरूरी है कि भाई कौन, जैसे आयुक्त है, आयुक्त का क्या कार्य होता है, अपर आयुक्त है, कलेक्टर है, अपर कलेक्टर है, इन सबके तो जानते हो, लेकिन यहां राजस्व अधिकारी कलेक्टर कब बन जाता है, अपर जो कलेक्टर है वो कब आपका राजस्व अधिकारी बन जाता है, तो इन सारी चीजों को अब हमें व्यापक तौर पर समझना है। तो एक एक पॉइंट को मैंने शुरू किया है, राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारियों का कार्य, ठीक है। अब आपको यहां यह नहीं भटकना है कि कौन सा कार्य कौन करता है, सारी चीजों को समझ लो बहुत अच्छे से, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो राज्य एवं जनपद में अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट जो आपका होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के निवासी आप हैं, में भू दस्तावेजों की जो प्रक्रिया होती है इससे संबंधित मामलों का संचालन राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। राजस्व विभाग के मुख्य 3 अंग होते हैं। राजस्व विभाग में कौन कौन आता है, 3 इसके अंग बनते हैं मुख्य रूप से।
पहला तो आपका राजस्व कार्यालय होता है, दूसरा बंदोबस्त कार्यालय होता है, तीसरा पंजीकरण कार्यालय होता है। तो राजस्व जो विभाग होगा, ठीक है, वहां मैंने राजस्व प्रणाली में दो अंग की जो है पर चर्चा की थी, यहां राजस्व विभाग आप पढ़ रहे हो। राजस्व विभाग के तीन अंग आपके बनते हैं, पहला राजस्व कार्यालय बन जाता है, दूसरा बंदोबस्त कार्यालय, और तीसरा जो आपका बनता है वह रजिस्ट्रेशन आपकी ऑफिस जो होती है, पंजीकरण कार्यालय होता है, वह होता है। अब बात करते हैं कि राजस्व बोर्ड क्या है। एक एक चीजों को समझो, बहुत अच्छे से समझो, सारी चीजों को समझ जाओगे। देखो भैया, ये जो राजस्व बोर्ड होता है, रेवेन्यू बोर्ड होता है, ठीक है, ये प्रांत में राजस्व, प्रांत का मतलब आपका राज्य, ठीक है, स्टेट, प्रांत में राजस्व से संबंधित जो मामलों के लिए राजस्व बोर्ड राज्य सरकार का सर्वप्रमुख एवं अंतिम निर्णायक अंग है। इसने जो फैसला दे दिया राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में, वो क्या होगा, अंतिम निर्णय होता है, समझे। दूसरी बात, कमिश्नर क्या है, अब कमिश्नर को समझो। देखो, 3 से 7 जनपदों का एक राजस्व प्रभाग बनता है, 3 से लेकर 7 जनपद आपके मिलाए जाते हैं और उनसे एक राजस्व प्रभाग का निर्माण होता है, और उसी को हम कमिश्नरी बोलते हैं। कमिश्नरी का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वह कमिश्नर यानी आयुक्त होता है, समझ गए। तो आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि एक आयुक्त के अंडर में कितने जनपद आते हैं, ठीक है, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि 3 से लेकर 7 जनपद का एक राजस्व प्रभाग बनता है और उसे कमिश्नरी बोलते हैं, और कमिश्नरी का जो हेड होता है वह आपका कमिश्नर होता है, जिसे हम आयुक्त बोलते हैं। कमिश्नर के अधीन जिला कलेक्टर होते हैं, एसडीएम होते हैं, तहसीलदार एवं जनपद तथा कमिश्नरी के समस्त राजस्व से संबंधित अधिकारी इसके अंडर में आते हैं। कमिश्नर अपने अधीनस्थ जनपद के कार्यालयों का निरीक्षण एवं उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की सुनवाई और कानूनी तौर पर अंतिम फैसला करने का अधिकारी होता है। आयुक्त ने जो बोल दिया वो बात बड़ी बात हो गई, तो ये चीज को आपको समझना है। अब बात करते हैं कलेक्टर इसके अंतर्गत आता है, ये कलेक्टर कौन है आखिर। देखो भैया, कलेक्टर जो होगा आपका वो जनपद, जो आपके जनपद में भी है कि राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। पहले कलेक्टर, ठीक है, डीएम और कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर अलग अलग होते थे, लेकिन अब अधिकतर जगहों पर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही मिलेंगे, वही कलेक्टर हो गए, ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी कलेक्टर है। तो जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, जैसे कलेक्टर जनपद के राजस्व प्रशासन का सबसे जो बड़ा एवं महत्वपूर्ण अधिकारी है वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं, ये जनपद का सबसे ऊपर होता है, जानते ही हैं। आपके मुकदमे जमीन से संबंधित फंसे होंगे तो आप कलेक्ट्रेट जाते हो, ठीक है, वहां पर वो मामले सुनवाई होती है। जो जनपद के राजस्व से संबंधित अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति जांच पड़ताल, रिकॉर्डों का निरीक्षण तथा अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णय पर अंतिम निर्णायक होता है, कहां तक, ये जनपद तक सीमित है आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं अपर जिला कलेक्टर क्या होता है। अपर जिला कलेक्टर राजस्व किसे बोलते हैं, एसडीएम, जिसे आप जानते हो। देखो भैया, जनपद की जितनी आपकी तहसील होती है उन सभी के राजस्व मामलों के कार्य का नियमित संचालन एवं भूमि संबंधित मुकदमों आदि की सुनवाई, भूमि से जुड़े सवालों पर कार्रवाई करना, इसका मुख्य काम होता है आपका, जो अपर जिला अधिकारी, अपर जो है कलेक्टर होता है राजस्व संबंधित, उसका मेन काम यही है। आगे, मुख्य रूप से जो अपर जिला कलेक्टर है, कलेक्टर के दायित्वों का निर्वहन व निस्तारण हेतु दायित्व होता है। कल भी मैंने आपसे, ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में एमसीक्यू में भी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो जिला अधिकारी होता है उसका प्रतिनिधि कौन होता है, तो अपर जो जिला अधिकारी होगा यानी एसडीएम जो होता है वह जिला अधिकारी का प्रतिनिधि करता होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, समझ गए। अब हम बात करते हैं भैया एसडीओ कौन है, कहते नहीं एसडीओ साहब आ रहे हैं, तो एक तो बिजली विभाग वाले एसडीओ साहब होते हैं, दूसरा यहां समझ लो एसडीओ और इनको हम एसडीएम दोनों चीजें जोड़ देते हैं एक साथ, या हिंदी में जो इनको बोलते हैं उस दौरान इनका नाम होता है परगना अधिकारी, ठीक है। अब बात आती है परगना क्या है, नाम जानते हो, तहसील परगना, समझो भैया जो एसडीओ है आपका या जो एसडीएम है ये तहसील स्तर के और तहसील के समस्त राजस्व प्रक्रिया से जुड़े तहसील स्तर के अधिकारी जो हैं, कर्मचारी हैं, इनके कार्यों का अवलोकन एवं संचालन करना
इसका मुख्य कार्य होता है, संचालन कराना इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है, जो परगना अधिकारी आपका होता है या जिसको आप एसडीएम भी जानते हैं, जिनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, ये सभी इसके अंडर में आते हैं, एसडीएम के अंडर में आते हैं, ठीक है। अगली बात होती है ये तहसीलदार कौन होते हैं भैया, ठीक है, चलो समझो, तहसीलदार एक तहसील का इंचार्ज होता है, जो आपकी तहसील होगी उसका इंचार्ज आपका एक तहसीलदार होगा। सामान्यतया एक तहसील में 100 से 200 तक के ग्राम सभाएं होती है, याद रखना, एक तहसील में 100 से लेकर 200 गांव तक होते हैं, एक तहसील के अंतर्गत 2 से 6 तक, ठीक है, क्षेत्र विकास खंड मतलब ब्लॉक जिसको बोलते हो, आपके यहां एक तहसील में कितने ब्लॉक हो सकते हैं, यह भी सवाल पूछ सकता है कि एक तहसील में कितने ब्लॉक हो सकते हैं, तो याद रखना 2 ब्लॉक से लेकर 6 ब्लॉक तक एक तहसील में हो सकते हैं, ठीक है, और 2 से 4 तक परगना होते हैं, मतलब ब्लॉक आपके 2 से लेकर 6 तक ब्लॉक हो सकते हैं एक तहसील में, और अगर परगना पूछा जाए तो परगना 2 से लेकर 4 तक होते हैं किसी भी तहसील में जिसका मालिक आपका तहसीलदार होता है, समझ गए। अब समझो, तहसीलदार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण, तहसील से संबंधित भू दस्तावेजों की जांच पड़ताल, रख रखाव तथा भूमि संबंधित विवादों पर कानूनी कार्रवाई संपादित करता है। तो तहसीलदार में आप समझ गए कि ये एक तहसील का मालिक है, एक तहसील में आपके 2 से 6 ब्लॉक होते हैं और लगभग 2 से 4 परगना होते हैं, उन सभी से जो है भूमि से संबंधित, राजस्व से संबंधित जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं उन सभी के ऊपर बैठ के ये उनसे कार्य करवाता है कि भैया लेखपाल साहब आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, ठीक है, आपके यहां क्या चल रहा, फला गांव का मामला था क्या हुआ, तो ये सारी चीजें ये सब कुछ कौन देखता है, ये आपका एक तहसीलदार देखता है। आगे बढ़ते हैं भैया, तहसीलदार तो आप पढ़ लिए, अब ये नियंती नायब तहसीलदार कौन होता है इसको समझिए। देखो एक जो तहसील होती है इसके अंदर 3 से 6 नायब तहसीलदार होते हैं, अब तो नायब तहसीलदार के पद भी खत्म हो चुके हैं, तो ये जो एक तहसील होगी उसके अंतर्गत 3 से 6 नायब तहसीलदार होते हैं, एनटी होते हैं। नायब तहसीलदारों का जो कार्य होता है या भूमि मामलों की रिपोर्ट तैयार करना, साथ ही साथ मामलों को सुनवाई करना, भूमि से संबंधित अगर मामला है तो एनटी आपकी सुनवाई करता है, राजस्व की वसूली करना, दाखिल खारिज से संबंधित मतलब ये जमीन इनके नाम जो है दाखिला करवाया गया वहां से खारिज करवा दिया, ये मामला, ये आदेश, वो आदेश जानते ही हो, ठीक है, आपसी बंटवारा का कार्य ये करेगा, कब्जे से संबंधित जमीनों के विवादों की जांच ये करेगा, ग्राम सभा की जमीनों की देखरेख व सुरक्षा, ये सभी कार्य आपके एनटी के होते हैं, नायब तहसीलदार के होते हैं। दूसरी बात बच्चा, वास्तव में जो नायब तहसीलदार व तहसीलदार के अभिलेखों का प्रयोग अपने क्षेत्र में करता है, समझ गए, नायब तहसीलदार मुख्य रूप से क्या करता है, जो तहसीलदार के कार्य पूरे हैं, ठीक है, या जो तहसीलदार को सारी रिपोर्ट जानी है वह अभिलेखों का प्रयोग जो है, जो क्षेत्र उसको आवंटित किया गया कि भैया फला परगना तुम्हारा है उसमें तुम्हें देखना है, या फला ब्लॉक तुम्हारा है, या फला इतने गांव तुम्हारे, तो उनसे संबंधित वो सारे कार्यों को तैयार करता है आपका एनटी, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कानूनगो कौन है आखिर, देखो भैया कानूनगो की अगर बात करें, ठीक है, एक जो नायब तहसीलदार होगा इसके अधीनस्थ में मतलब इसके अंडर में, ठीक है, 2 से 5 तक कानूनगो कार्य कर सकते हैं, 2 कानूनगो से लेकर 5 कानूनगो तक एक एनटी के अधीन कार्य करते हैं। इनका जो कार्य होता है किसका, कानूनगो का, ये भू राजस्व की वसूली ये करते हैं, लेखपाल हो गया, ये अमीन हो गया आदि के कार्यों का ये निरीक्षण करते हैं, कौन, कानूनगो साहब, ठीक है। एक कानूनगो के अधीन 4 से 5 लेखपाल जिनको आप पटवारी कहते हैं या अमीन कार्य कर सकते हैं, यानी कानूनगो जो है उसके अंडर में 4 से 5 लेखपाल आते हैं, समझे, और एक जो एनटी बैठा है उस एनटी के अंदर में 2 से 5 जो है आपके क्या होते हैं, कानूनगो होते हैं, समझ गए। तो अब बहुत अच्छे से समझिएगा कि एक नायब तहसीलदार के अंडर में 2 से 5 कानूनगो कार्य करते हैं और एक कानूनगो के अंडर में कितने, लगभग 4 से 5 लेखपाल कार्य करते हैं या पटवारी या अमीन कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से हर एक चीजों को समझते चलना कैसे कैसे, अब बात करते हैं
यहां चार से पांच लेखपाल आ गए, तो अब लेखपाल को समझ लेते हैं। देखो बच्चा, एक लेखपाल के अंडर में कितने गांव आते हैं, सवाल ऐसा पूछा है पूछेगा। देखो ये जो लेखपाल होते हैं ना, एक लेखपाल को चार से आठ गांव के भूमि संबंधित रिकॉर्ड आदि रखने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब चार गांव से लेकर के आठ गांव तक भूमि संबंधित जितने रिकॉर्ड हैं वह एक लेखपाल के अंडर में आता है। दूसरी बात, ये ग्राम सभाओं की जो राजस्व वसूली से संबंधित है, लगान हो गया, सीज फसलों आदि का ब्यौरा पूरा तैयार करना, जमीन की पैमाइश करना, माप जो है मापना, खसरा तैयार करना, खतौनी तथा सीमा परिवर्तन आदि के कागजात तैयार करना ही लेखपाल का मुख्य कार्य होता है। दूसरी बात बच्चा, जो भू राजस्व विभाग का ढांचा जानने के साथ साथ आपको अब क्या चीजें जानना है। मैंने आपको बताया कि बंदोबस्त कार्यालय जानू, तो ये तो सारी चीजें आप समझ गए, ऊपर से नीचे तक मैंने आपको समझा दिया कि आपके राजस्व अधिकारी कौन कौन होते हैं, किनके अंडर में कौन कार्य करता है। अब आप थोड़ी सी चीजों को और समझो, ये बंदोबस्त आखिर क्या है भैया, कार्यालय, ठीक है। तो अब बंदोबस्त कार्यालय को समझते हैं, चलिए एक एक करके बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो भैया, जो राजस्व प्रणाली हमारे यहां है राज्य स्तर पर अगर हम बात करें, तो ये जो बंदोबस्त कार्यालय उसका अंग है। चूंकि राज्य स्तर पर बंदोबस्त कार्यालय को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला एक बंदोबस्त कार्यालय यह होता है जहां पर दस्तावेजों संबंधित कार्य होता है, केवल दस्तावेज तैयार किए जाते, वो दस्तावेज विभाग होता है। दूसरा होता है राजस्व विभाग। समझो, राजस्व स्तर पर बंदोबस्त का सबसे बड़ा अधिकारी बंदोबस्त कमिश्नर होता है, बंदोबस्त आयुक्त होता है, जिसे बंदोबस्त अधिकारी भी हम बोलते हैं। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, ये जनपद राज्य एवं कमिश्नर की सीमाएं निर्धारित करना तथा किए गए परिवर्तनों के आधार पर नक्शे बनाना, ये कार्य किसका होता है, वो बंदोबस्त अधिकारी का कार्य होता है। ठीक है, याद रखना, नक्शे जारी यही करता है, कंफ्यूज हुए तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, बंदोबस्त दस्तावेज तैयार करना और उन्हें लागू कराना, ये इसका कार्य है। तीसरी बात, जमीन आदि की पैमाइश एवं नए बंदोबस्त की प्रक्रिया आदि पारित करना, यह सब कुछ आपका बंदोबस्त अधिकारी के जो है अंतर्गत पूरा कार्य होता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी बात, एक नाम सुनते हो, अरे नक्शा नवीस आए हैं, ये कौन है नक्शा नवीस, इनको जान लो। भूमि से संबंधित सभी कागजातों का निरीक्षण एवं अंतिम स्वरूप इसी कार्यालय से प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो नक्शा नवीस कार्यालय है, इसी कार्यालय से आपका अंतिम रूप से जो भूमि से संबंधित कागजात हैं उनके निरीक्षण और अंतिम स्वरूप, मतलब फाइनल हो गया किसके नाम कौन सी जमीन कहां गई, कब ऑर्डर हुआ, यह सब जो जो है पारित होकर आपको मिलता है वह नक्शा नवीस कार्यालय से मिलता है। समझ गए, अगली चीज समझते हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी कौन है, आखिर ये कौन से अधिकारी है भैया, इनको समझ लो। देखो, लगभग उन सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी की नियुक्ति होती है। ठीक है, हर एक जिले में इनकी नियुक्ति होगी, कहां, जहां पर भैया चकबंदी हो, जहां चकबंदी जो है की गई हो या चकबंदी हो गई है वहां पर आपके बैठाए जाते हैं डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी। समझे, जहां चकबंदी हो गई है वहां डिप्टी डायरेक्टर बैठता है चकबंदी का। अब क्या होता है, कभी कभी अधिकारियों के कमी के कारण जनपदों में एक डिप्टी डायरेक्टर होता है। ठीक है, इसकी अदालत जनपदों में चकबंदी के समय अस्थायी रूप से स्थापित की जाती है, इसकी अदालत लगती है। चकबंदी के बाद धारा 52 का प्रकाशन और चकबंदी से संबंधित उठे विवादों का निपटारा होने पर इन अधिकारियों को अन्यत्र कार्य करने की जिम्मेदारी दे देते हैं। मतलब भैया, जब तक चकबंदी, देखो ये जो है ये पीसीएस या आईएएस अधिकार जो है स्तर के अधिकारी होते हैं, मतलब समझ सकते हो आप, इसमें लगभग चीजें तो जैसे तहसीलदार वाली बताई वो भी तो आपके एनटी वगैरह अभी तक पीसीएस वाली ही पोस्ट थी, या फिर अब तो बहरहाल चीजें जा रही। आगे समझो भैया, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ये कौन होता है, इनको जान लो। देखो, ये जो अधिकारी होता है यानी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, ये पीसीएस या चकबंदी विभाग में चकबंदी अधिकारी से पदोन्नति अधिकारी होता है। यह अधिकारी जिले के अंदर हो रहे चकबंदी कार्यवाही हेतु जिम्मेदार होता है तथा गांव की चकबंदी कार्यवाही के विभिन्न स्तर पर इसी अधिकारी के निर्देशन में होता है। यानी चकबंदी जहां भी होगी उसमें आपका जो मुख्य कर्ताधर्ता अधिकारी के तौर पर होता है वह बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी होता है। ठीक है, दूसरी बात, चकबंदी अधिकारी
सहायक चकबंदी अधिकारी, कानूनगो, लेखपाल, फिर ये आपके नगर नवीस यानी क्षेत्र, चपरासी, पेशी, कानूनगो आदि सभी इसी अधिकारी के मातहत होते हैं, ठीक है, इसी के अंडर में कार्य करते हैं तथा इनके स्थानांतरण आदि का दाखिला भी एसओसी को होता है। एसओसी चकबंदी अधिकारी व सहायक चकबंदी अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध आपका क्या करता है, अपील सुनता व निस्तारण उनका करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, चकबंदी अधिकारी बंदोबस्त भी हमने पढ़ लिया, अब पढ़ो चकबंदी अधिकारी केवल वाले कौन से है। देखो चकबंदी अधिकारी अपने सर्किल में नियुक्त सहायक चकबंदी अधिकारी, कानूनगो, लेखपाल आदि के सहयोग से चकबंदी कार्यवाही का संचालन करता है तथा मूल आपत्ति आदि का प्राथमिक स्तर पर निस्तारित करता है। चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील बंदोबस्त चक जो है अधिकारी के समक्ष आप कर सकते हो। चकबंदी अधिकारी ने कोई कार्य किया आपको नहीं पसंद आया, आप इसकी जो है जाकर के रिपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, अब सहायक चकबंदी अधिकारी, वो तो चकबंदी अधिकारी थे, सहायक चकबंदी अधिकारी कौन है समझो भैया। सहायक चकबंदी अधिकारी अपने मातहत कानून को, लेखपाल, सर्वेयर आदि के सहयोग से चकबंदी प्रक्रिया हेतु प्राथमिक रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार कर उसके संबंध में तनाजों का निर्धारण कर आकार पत्र 5 वितरित कराता है तथा उक्त तनाजों पर प्राप्त आपत्तियों का समझौते से निस्तारण करता है। जिन्हें जिन्हें आपत्ति होती है उन सभी पक्षों को बुला के फिर उनका मामला शांत कराता है। यह प्राथमिक स्तर पर अपना कार्य करता है। फिर क्या होता है, और जिन आपत्तियों में समझौता नहीं होता उसे चकबंदी अधिकारी को प्रेषित कर देता है कि इन पर कोई आपत्ति नहीं है, वो इन आपत्तियों पर कोई समझौता नहीं मिल रहा है, आप हैंडल करिए, ठीक है। 50% से अधिक आपत्तियों का निस्तारण हो जाने पर चक का निर्माण कराता और आकार पत्र 23 वितरित करा देता है कि फला चक जो है 40 बीघे, 50 बीघे, ठीक है, यहां पर इसकी स्थिति है, ऐसे ऐसे है, ये जो है इनके इनके नाम में ऐसी ऐसी चीजें की गई, तो वो निर्गत ये कर देता है तथा उस पर आपत्तियां प्राप्त कर उसे चकबंदी अधिकारी को निस्तारण हेतु प्रेषित करता है। मुकदमों के संबंधों का तामिला सुनिश्चित यही करेगा तथा गांव के अंतिम नाजे 41-45 आदि का जो है निर्माण करता है तथा आदेशों का अनुपालन भी करता है। अब कानूनगो चकबंदी कौन होता है भैया, बहुत सारे पद हैं इसलिए बहुत अच्छे से जानना। चकबंदी के दौरान कानूनगो लेखपाल के सहयोग से चकबंदी की समस्त प्रक्रिया को समाप्त करता है। मौके पर जाकर लेखपाल से जमीन की पैमाइश कराना, ठीक है, अंतिम रूप से मुहर लगाने का कार्य इसका होता है। अब चकबंदी लेखपाल कौन होता है, लेखपाल आप राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल भी जान लो। देखो भैया ये जो चकबंदी लेखपाल है, चूंकि ये बंदोबस्त के अंतर्गत है इस वजह से मैंने बता दिया, चकबंदी के दौरान चकबंदी लेखपाल की अहम भूमिका होती है। चकबंदी के समय खेतों की मालियत तथा चक आदि से परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया का क्रियान्वयन लेखपाल ही करता है, ठीक है, और लेखपाल उसी में मेन मजा काटते हैं चकबंदी के दौरान। अब रजिस्ट्री दफ्तर क्या होता है, कहते नहीं रजिस्ट्री दफ्तर जा रहे हैं आज, तो समझो ये क्या है, हर एक जो आपका जिला होगा भैया, हर जिले में कलेक्टर मुख्य रजिस्ट्री अधिकारी होता है तथा उसके मातहत प्रत्येक तहसील में एक उप रजिस्ट्रार होता है, जनपद में एक पंजीकरण कार्यालय होता तथा पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज पंजीकरण अधिकारी के पास होता, पंजीकरण अधिकारी दाखिल खारिज प्रक्रिया का संबंध सूत्र होता है, जैसे विधि द्वारा दस्तावेजों जैसे बैनामा हो गया, हिब्बा, वसीयत आदि के पंजीकरण हेतु पंजीकरण आपका कार्यालय होता है। अब पंजीकरण कार्यालय में आपने एक चीज पढ़ी उप रजिस्ट्रार, अब उप रजिस्ट्रार कौन होता है इसको भी समझ लो। देखो भैया विक्रय कुछ भी हो रहा, कोई चीज लीज पर जा रही, एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही एक दूसरे को आदि से संबंधित मामलों का पंजीकरण इसी कार्यालय में किया जाता है, सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में, जिसमें उप रजिस्ट्रार निबंधन कहलाते हैं, इसे आम बोलचाल की भाषा में रजिस्ट्री कार्यालय भी कहते हैं। मतलब रजिस्ट्री कार्यालय में आपका उप रजिस्ट्रार सब कुछ देखता है, सारी प्रक्रिया समझता है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको अब हर एक चीज समझ में आ गई होगी कि राजस्व कार्यालय क्या होता है, राजस्व न्यायालय में क्या है, राजस्व अधिकारी क्या है, वर्तमान ढांचा कैसे है, कौन किसके अंडर में कार्य करता है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसकी नोट्स ग्रुप में डाल दी जाएगी, वहां भी बड़े अच्छे से पढ़ लेना। अभी इसके आगे कल मैं भूमि पैमाइश आपको बता दूंगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है
ये कच्चा पक्का भी ईदगाह और ये माप जो है सारी चीजों को बता दीजिए, तो उससे संबंधित कल लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कृषि पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो कल इससे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक भैया वीडियो खूब ज्यादा शेयर भी करो अपने दोस्तों को, ठीक है, खुद देखिए, सारे दोस्तों को भेजिए, क्योंकि सब कुछ हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिवार में जोड़िए भी। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर जाओ, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक मस्त होकर पढ़िए, धन्यवाद।